और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका ने नेटो देशों को इस बात के लिए हरी झंडी दे दी है कि वो यूक्रेन को फाइटर प्लेन दे सकते हैं। इसका ऐलान अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने किया है। एक इंटरव्यू में ब्लिंकन ने से जब ये पूछा गया कि क्या पोलैंड के जरिए यूक्रेन को फाइटर प्लेन मुहैया कराया जा सकता है, पोलैंड नेटो का सदस्य देश है, इस सवाल के जवाब में ब्लिंकन ने कहा कि अब इस प्रस्ताव पर मुहर लग चुकी है। अमेरिका ने यह भी कहा है कि जो फाइटर प्लेन यूक्रेन को दिए जाएंगे उसकी भरपाई अमेरिका करेगा। अब तक नेटो का यह स्टैंड रहा था कि वो ना तो यूक्रेन में अपनी सेना भेजेगा और ना ही यूक्रेन को युद्धक विमान देगा। यूक्रेन लंबे समय से मांग कर रहा है कि नेटो उसे फाइटर जेट और हथियार दे ताकि वो रूस का मुकाबला कर सके। अमेरिका ने अब फाइटर प्लेन देने को लेकर नेटो को हरी झंडी दे दी है और इसके बाद लड़ाई और भी खतरनाक मोड़ ले सकती है, क्योंकि रूस भी लगातार ये कह रहा है कि अगर फाइटर प्लेन दिए जाते हैं तो उन देशों को भी युद्ध में शामिल माना जाएगा। रूस से यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका की चेतावनी। यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिकी संसद रूस पर एक और प्रतिबंध की तैयारी में है। अमेरिकी संसद रूसी तेल और ऊर्जा उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाने की संभावनाओं पर विचार कर रही है। यानी एक तरह से माना जाए कि अमेरिकी संसद जल्द ही रूसी तेल और ऊर्जा उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर सकती है। हालांकि फिलहाल इन संभावनाओं पर अभी अमेरिकी संसद विचार कर रही है। अमेरिकी संसद के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने एक बयान में कहा कि अमेरिका जल्द ही रूस और बेलारूस के साथ सामान्य व्यापार संबंधों को भी निरस्त करने का ऐलान करेगा। विश्व व्यापार संगठन में रूस की पहुंच को भी रोकने की तैयारी करेगा। इससे पहले यह कहा जा रहा था कि रूस के तेल और गैस के बगैर अमेरिका में भी किल्लत हो सकती है, लिहाजा अमेरिका की ओर से यह प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। लेकिन नैन्सी पेलोसी जो कि अमेरिकी संसद के स्पीकर हैं, उनकी ओर से यह बयान सामने आया है। Presenting the news app available on Google Play and App Store. Download it now.